your spaghetti ruler. अच्छा जानू, अगर कोई भी पास में आएगा ना तो चाकू भूक देना, ओके? थैंक्स। दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म शैतान तो जहां रुकने का नाम नहीं ले रही और दोस्तों आज अपने दो हफ्ते पूरे कर रही है, तो वहीं दोस्तों पिछले हफ्ते रिलीज होने वाली सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा भी आज अपने 7 दिन पूरे कर चुकी है। इन 7 दिनों में इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो कितना हो चुका है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे और बात करेंगे। दोस्तों, इस हफ्ते रिलीज होने वाली फरहान अख्तर के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म मड़गांव एक्सप्रेस के फर्स्ट डे इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन के बारे में और इस फिल्म के एडवांस के बारे में साथ ही साथ जानने वाले हैं। दोस्तों, पैन इंडिया में सबसे बड़ी रिलीज होने वाली फिल्म पुष्पा 2 से जुड़े रिलीज डेट अपडेट के बारे में, जिसे लेकर एक और रूमर्स निकल कर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अजय देवगन, अल्लू अर्जुन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और प्रतीक गांधी की इन फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एक हफ्ते से चल रही फिल्म योद्धा के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जैसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते ही रिलीज किया गया है। और दोस्तों, इस फिल्म के लीड में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साथ दिशा पाटनी और राशि खन्ना भी नजर आई है। सागर अमरे और पुष्कर ओझा के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे की ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आए। तो वही दोस्तों, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी बेहतरीन रेटिंग्स दी। लेकिन दोस्तों, जो उम्मीदें हम इस फिल्म से कर रहे थे वो उम्मीदों पर ये फिल्म खरा नहीं उतर पाई और बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन जहां इस फिल्म ने 4,25,00,000 रुपए की ओपनिंग ली थी, तो वहीं दोस्तों अपने 3 दिनों के वीकेंड में ये फिल्म लगभग 17 करोड़ रुपए ही कमा पाई। बताते चले दोस्तों आपको कि योद्धा लगभग 70 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली फिल्म है, जिसे कि ऑडियंस की तरफ से रिव्यूज काफी अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई नहीं कर पा रही। अपने 4th दिन 2,25,00,000 रुपए की कमाई करने वाली योद्धा ने 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर जरूर स्ट्रॉन्ग होल्ड किया और 2,35,00,000 रुपए कमाए। लेकिन दोस्तों, अपने 6ठे दिन यानी कि कल इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वह एक बार फिर से 2,17,00,000 रुपए के ही आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे। आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 7वां दिन है और दोस्तों ये फिल्म आज भी 2 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 27 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म 37 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी। योद्धा को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से करनी है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर फिल्म मड़गांव एक्सप्रेस के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों कल रिलीज होने वाली मड़गांव एक्सप्रेस एक कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है, जिसके लीड में आपको प्रतीक गांधी के साथ साथ द्वेंदु और अविनाश तिवारी नजर आने वाले हैं। कुणाल खेमू, जो कि इंडियन सिनेमा के एक बेहतरीन एक्टर है, उनके ही डायरेक्शन में बनने वाली इस कॉमेडी फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल लगभग 1500 से 1800 स्क्रीन पर रिलीज किया जाना है, जिसे की प्रोड्यूस किया है फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल चुका है। मड़गांव एक्सप्रेस दोस्तों एक बेहतरीन कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है, जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को लाने में कामयाब होने वाली है। आज दोस्तों इस फिल्म के एडवांस बुकिंग को शुरू किया गया और दोस्तों एडवांस बुकिंग शुरू होते ही इस फिल्म की जो एडवांस है वो 40,00,000 रुपए के आंकड़े को अभी तक पार कर चुकी है, जो कि एक तरह से मिड बजट फिल्म के लिए काफी अच्छी एडवांस है। इस फिल्म को दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल अपने पहले दिन लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगर ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो ये फिल्म लाइफ टाइम में 50 से 80 करोड़ या फिर 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो सकती है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म का क्लैश स्वतंत्र वीर सावरकर जैसी बेहतरीन फिल्म से होना है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फिल्म शैतान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं सुपरस्टार अजय देवगन की इस साल रिलीज होने वाली सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक है शैतान, जिसके लीड में आपको अजय देवगन के अलावा आर माधवन और ज्योति का नजर आई है। डायरेक्शन क्या है इस फिल्म का, विकास बहल ने लगभग 50 से 55 करोड़ रुपए के मामूली से बजट के साथ बनाई गई शैतान एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे कि बॉक्स ऑफिस पर 3800 स्क्रीन पर इंडिया में और लगभग 5000 स्क्रीन पर पूरी दुनिया में रिलीज किया गया था। शैतान को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले। इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के एक्टर्स की एक्टिंग और सभी को ऑडियंस ने पसंद किया। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन तो 16 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, तो वहीं दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले काफी अच्छे रिव्यूज के बाद इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें काफी अच्छा ट्रेंड भी देखने को मिला। 3 ही दिनों में ये
वाली फिल्म 55 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी थी और 80 करोड़ रुपए दुनिया भर से कमा चुकी थी। तो वहीं दोस्तों अपने पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 81 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर की और दुनिया भर से 118 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे हफ्ते में दोस्तों इस फिल्म के सामने योद्धा भले ही रिलीज हो गई हो लेकिन दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन में कोई फर्क नहीं देखा गया। इस फिल्म ने दोस्तों जहां अपने 8वें दिन भी 6 करोड़ रुपए कमाए, 9वें दिन कमाए 9 करोड़ रुपए, तो वहीं दोस्तों 10वें दिन 10 करोड़ 17 लाख रुपए कमाए। इन 10 दिनों में इस फिल्म के जो कलेक्शन से वो 107 करोड़ रुपए से ज्यादा के हो चुके थे। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के विगडेस के कलेक्शंस की तो दोस्तों अपने विगडेस में भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रांग होल्ड करने में कामयाब रही और इस फिल्म ने 11वें दिन 3 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए, 12वें दिन 3 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों अपने 13वें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस कल भी 2 करोड़ 80 लाख रुपए के रहे। आज भी दोस्तों ये फिल्म 2 करोड़ 70 लाख रुपए के आंकड़े को टच कर रही है और इसी के साथ इस फिल्म के जो कलेक्शन से वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 116 करोड़ रुपए से ज्यादा के हो चुके होंगे। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म 170 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज पार कर रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि शैतान दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर इस साल की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉलीवुड की तरफ से बनी है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 के रिलीज डेट से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट्स के बारे में, दोस्तों बताते चले आपको कि इंडियन सिनेमा के स्टाइलिश से आइकॉन स्टार बन चुके अल्लू अर्जुन की सबसे बड़ी फिल्म है पुष्पा 2, जिसका कि हम सभी हिंदी ऑडियंस को काफी बेसब्री से इंतजार है। सुकुमार सर के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड में आपको अल्लू अर्जुन सर के साथ साथ रश्मिका और फहद फाजिल भी नजर आने वाले हैं और दोस्तों इस फिल्म में आपको धमाकेदार एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस फिल्म की रिलीज को 15 अगस्त तय किया गया था लेकिन दोस्तों अब जो बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों कि इस फिल्म की रिलीज को अब पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि दोस्तों अब इस फिल्म की रिलीज की जगह आपको प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आप सभी को बताते चलें कि चुनाव की तारीख और आईपीएल की तारीख फिक्स होते ही कल की 2898 जो 9 मई को रिलीज होने वाली थी अब ये आगे बढ़ चुकी है और दोस्तों अब इस फिल्म को 15 अगस्त को रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। ऐसे में दोस्तों अल्लू अर्जुन सर की फिल्म जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है इस फिल्म की रिलीज को अब आगे बढ़ा दिया जाएगा और दोस्तों ये फिल्म अब अक्टूबर के मंथ में या फिर पिछली बार जैसे ही क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली है। अल्लू अर्जुन सर की इस फिल्म का दोस्तों ऑडियंस को काफी बेसब्री से इंतजार है और यही एक ऐसी फिल्म है जो कि बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स हिंदी में और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर तोड़ सकती है। फिलहाल में दोस्तों अल्लू अर्जुन सर की इस फिल्म का जो इंतजार है वो ऑडियंस के बीच में काफी ज्यादा है, यही वजह है कि ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ओपनर तो बनेगी ही साथ ही साथ दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर बिगेस्ट ग्रोसर भी बनेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों अल्लू अर्जुन सर की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग मिलेगी, 100 करोड़, 150 करोड़ या फिर 200 करोड़ की? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।